भाई हेलो। तो ये हमारे जो गोलू मोलू भाई, ये जो पेशेंट है ना, इसकी ऑलरेडी एक तबीयत खराब है। कर दूंगा सॉरी कह के, तुम्हें बॉक्सिंग करेगा तुम पे। नहीं नहीं परफेक्ट, आप साइड से देख। अरे मेरे अथर्व भाई, तुम तो चिंगारे मार रहे हो यार। 2 सेकंड रुक जाओ प्लीज। लो रुक गए। देखो तुम्हारी दोस्त भी हंस रही है। इनका क्या दर्द हो रहा है आज तबीयत। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द न्यू व्लॉग। और फिर से हम एक नया व्लॉग शूट कर रहे हैं। आज दिन है आज वेडनेसडे, नहीं थर्सडे, राइट? थर्सडे आज, तो थर्सडे के दिन आज ब्लॉग शूट कर रहे हैं हम। और टैटू करेंगे एक बहुत ही क्यूट सा, बैक में, एल्बो के बैक में करने वाले हैं, एक बहुत ही पुराने क्लाइंट के, जो कि हमारे बहुत गोलू मोले से भाई हैं, छोटे भाई हैं, नाम है अथर। तो ये हमारे अथर भाई। हेलो। तो ये हमारे जो गोलू मोलू भाई हैं, इन्होंने पहले भी एक टैटू कराया था मेरे से। टैटू है ये वाला, जो कि हील हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये पैट लवर है। तो आज जो टैटू करेंगे बहुत मीनिंगफुल है, एक संस्कृत वर्ड है और उसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं सर का टैटू। नीडल्स 2 यूज होंगी, 3 RL और 5 RS, क्योंकि माइन्यूट वर्क है। और देखते हैं आज सेकंड वाले टैटू में भाई का क्या जलवा होता है। हाँ जी अथर्व साहब, रेडी हो आप? हाँ जी। आज तबीयत खराब है आपके यहाँ? हाँ। तो भाई आज ये जो पेशेंट है ना, इसकी ऑलरेडी एक तबीयत खराब है और फिर भी हम इनके टैटू करेंगे, क्योंकि ये टैटू का जो क्रेज है ना, बहुत खतरनाक वाला है। एक बार दिमाग में आ जाए तो नींद नहीं आती लोगों को। सही कह रहा हूँ अथर्व भाई? बिल्कुल सही। कल चलो जी, कल से यही सोच रहे हो? आवाज़ थोड़ी स्लो है आपकी, कोई नहीं, दोनों पैरों को आप उधर घुमाओ। परफेक्ट। तो अथर भाई स्टेंसिल लगा रहे हैं आपके पीछे, सेंटर चाहिए आपको, राइट? हाँ जी। और अगर जो थोड़ा डायमा हो गया फिर वो तो आप सही रखेंगे, फिर मैं सही कर दूंगा सॉरी कह के। हाँ जी। तो ये हो गया आपका स्टेंसिल पेस्ट, और ये पीछे सेंटर है। ये जो आपके संग आपकी दोस्त आई है, चेक कर सकती हैं, कृपया चेक करके बताएं भाई का सेंटर है या नहीं है। इधर से पूरा घूम जाओ ना, पीछे चेक करा दो। ये देखो सेंटर है ना, पक्की बात, देख लो ना थर, बाद में बॉक्सिंग करेगा तुम पे। नहीं, नहीं, परफेक्ट। आप साइड से देख रहे हो, उसने टेढ़ा लगेगा, बाकी अच्छा। परफेक्ट है वो, ठीक है ना? लेट्स बिगिन। सो मेरे गोलू मोलू भाई, रेडी हो आप? हां जी। परफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। डर लग रहा है? पहला टैटू तो करा चुका है, डर क्यों लग रहा है भाई? कोई फ्रेशर हो तो मैं से बोलूं डरने की जरूरत है? इसको हाथ पे थोड़ा सा करो बस, ठीक है? टाइट नहीं करना है, लूज रखना है और रिलैक्स रहना है बिल्कुल, ठीक है? अरे मेरे अथर्व भाई, तुम तो चिंगारे मार रहे हो यार, बहुत दर्द हो रहा है। स्कूल के बच्चे खराब हैं, अब तो तुम जवान हो गए हो। मेरी तबीयत भी खराब है, बहुत दर्द हो रहा है। ये सब 2 सेकंड रुक जाओ प्लीज। लो रुक गए, अब क्या होगा? वो देखो तुम्हारी दोस्त भी हंस रही है। इनका क्या नाम है? ये शगुन मैम, और ये पूरे 32 32 दांत दिखा रही है भाई, देख रहा हूँ। यहाँ हमारे अथर्व भाई के दर्द हो रहा है और ये मुझे ले रही है। चलो कुछ नहीं, एक मिनट लगता है यार, करा चुके आप तो। तो आप बाहर जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो? आप फोन पे कल बता रहे थे मुझे कि भैया मैं चला जाऊंगा, आज ही कर दो मेरा टैटू। आप विकास नगर रहते हो क्या? हाँ जी, यहाँ नानी का घर है। तो कुछ विकास कराओगे वहाँ या ऐसे ही चलेगा? विकास होगा वहाँ का। विकास नगर में बहुत फ्लैग लगे। अरे अरे अरे, तुम मतलब मेरे व्यूअर्स को डराने वाले हो? यहाँ स्कूल के बच्चे करा रहे थे टैटू, और पहले करा चुके हैं। मेरे उस समय का दर्द नहीं हुआ था, इसमें ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं मतलब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ आपको। नहीं तबीयत खराब है। ठीक है, पहले से बेटर हुआ? चलो। तो भाई लड़का थोड़ा सा हमारा गोलू मोलू भाई जो है, देखने में ही है सख्त, सख्त नहीं है ज़्यादा। इतने से टैटू में रेस्ट ले दूँ? दो वर्ड भी नहीं करेंगे पूरे? नहीं नहीं, मैं उसे बोल रहा हूँ उधर से ले। अच्छा हाँ जी, तो भाई ब्रेक लिया है हमने और आउटलाइनिंग आधी ही करी अभी तक, और ये हमारे गोलू मोलू भाई ना आज थोड़े से डिस्को डांस कर रहे हैं। क्या हो गया था यार? दर्द हो रहा है आज, तबीयत खराब है। तो क्या ग्लूकोन डी पिलाऊंगा तुम्हें? नहीं नहीं, यहाँ ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? दिखा रहा हूँ मैं। दिखा दिया मैंने? अच्छा। टेंशन ना लो तुम, अभी कंप्लीट होने बाद दिखाएंगे। करें शुरू। भला आज कमजोर लौंडे हो गए हो तुम, मरहम लगा दें तुम्हें? चलो जी कर दे चालू, पक्की बात है? कोई घबराहट नहीं, चक्कर चुक्कर नहीं, जूस वूस? हाँ कोई। चलो जी,
ठीक है, कंफर्टेबल हैं आप? पता नहीं होने वाला फीलिंग, वो मतलब फीलिंग रहेगी आपकी, थोड़ी थोड़ी फीलिंग हिला रही होगी आपकी, ठीक है आप? तो फ्रेंड्स ये देखो और चेक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि ये संस्कृत वाला मीनिंगफुल टैटू कैसा लगा। ये देख रहे हो आप, इसका मीनिंग है एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और ये हमने टैटू किया था आवाजों के साथ जो हमारे अथर्व ब्रो ने निकाली थी, ये हमारा अथर्व ब्रो। तो आप सेकंड बार आए हो हमारे पास, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज व्यूअर्स को बताओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, अब मेरे को एक और टैटू बनवाना है, फिर आऊँगा और फिर से आवाज़ें निकालूंगा। आइए, नहीं तब थोड़ा कम रहेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच अथर्व ब्रो, और थैंक्स सभी का, आप सभी का व्लॉग्स पे प्यार देने के लिए, देखने के लिए। और ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो अप करना मत भूलना, और ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।